शिमला की कपकपाने वाली ठंड में अगर चाय मिल जाए तो चाय के दीवानों की बात बन जाती है, लेकिन अगर उन्हें वही चाय कुल्हड़ में मिल जाए तो ठंड में चाय पीने का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तक शिमला में चाय तो लोगों को आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद भी शिमला में मिलेगा। इसके लिए आपको शिमला के उपनगर संजौली का रुख करना होगा, जहां चाय सुट्टा बार ने अपना आउटलेट खोला है। इस आउटलेट पर ना केवल आपको कुल्हड़ में चाय दी जाएगी, बल्कि चाय के अलग अलग फ्लेवर भी आपको यहां मिलेंगे। कुल्हड़ वाली चाय के स्वाद को पूरे भारत में फैलाने के लिए चर्चित हो चुके ब्रांड चाय सुट्टा बार ने राजधानी शिमला में भी अपने इस आउटलेट को खोलकर देश भर में 140 अधिक फ्रेंचाइजी आउटलेट पूरे कर लिए हैं। संजौली में खुले इस आउटलेट पर करीब 10 तरह की चाय मिल जाएंगी। इसके अलावा आइस टी, हॉट कॉफी, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी, आइस क्रशर, अलग अलग तरह के बाइट्स, सैंडविच, बर्गर भी यहां पर आपको मिलेंगे। बता दें कि सभी को एक विशफुल कुल्हड़ चाय परोसने के उद्देश्य से आज ब्रांड 70 से अधिक शहरों और 2 देशों ओमन और दुबई में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। इस आउटलेट को खोलने वाले भी 2 युवा ही हैं, जिन्होंने चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी खरीदी है और शिमला के संजौली में यह आउटलेट खोला है। इस आउटलेट को खोलने वाले आशीष चौहान ने बताया कि चाय सुट्टा बार के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर उन्होंने फ्रेंचाइजी ली और शिमला में भी लोगों को कुल्हड़ की चाय पीने का मजा मिल सके, इसके लिए यह आउटलेट खोला। उन्होंने कहा कि कुल्हड़ में चाय पीने से जहां इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो वहीं इसके इस्तेमाल से पॉल्यूशन भी नहीं होता है। एक कुल्हड़ का इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं और अगर हम इसे डिस्पोज भी करते हैं तो भी वह आसानी से मिट्टी में ही मिलकर मिट्टी बन जाएगा। इसके साथ ही कुल्हड़ में चाय पीने से देश की मिट्टी को चूमने का भी मौका मिलेगा। वहीं युवाओं को भी जागरूक करने का यह एक बेहतर तरीका है कि किस तरह से वह खुद को प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूर रख सकते हैं। आशीष चौहान एंड यहाँ पर हमने शिमला संजौली में मैं एंड मेरे पार्टनर अतुल जी ने साथ में CST यानी कि चाय सुट्टा बार इसकी फ्रेंचाइजी बाय करी एंड इनका एक बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है जो कि है कुल्हड़ चाय और जो इसके नाम से भी डिफाइन होता है और नाम के साथ साथ नीचे द कटल विद कुल्हड़ है ना। एंड इनका जो कंसेप्ट है कुल्हड़ का वो एक तरह से एक अवेयरनेस है आज के यूथ में और अपने जो अर्थ को अगर हम देखें उस हिसाब से भी तो वो एक बहुत ही मतलब प्लास्टिक को हम उसमें बायकॉट कर रहे हैं, रियूजेबल है और किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, आप इसको कहीं पे भी डंप कर सकते हैं। बाय हुक बाय क्रूक एट द एंड इसने जो है मेल्ट होना ही होना, डिस्पोज होना ही होना है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि देश की मिट्टी है उसको चूमने का मौका मिल जाता है इसी बहाने, जो आजकल के यूथ थोड़ा सा हम भूले बैठे हैं राइट। एंड बाकी हमारा मेन्यू जो कि अगर आप थोड़ा सा जूम इन कर दें बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, मतलब लाइक पॉकेट फ्रेंडली है प्लस 15 रुपीज से स्टार्ट है। 7 से 8 तरह की चाय है, अदरक है, इलायची है, रोज है, पान है, मसाला है, लेमन है एंड डिफरेंट फ्लेवर्स की इसमें हमारे पास कॉफी मिलेगी आपको। और एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करेगी हमने, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो बिल्कुल आपको टेस्ट और आपका नाम बिल्कुल सेम रहेगा, लाइक वोडका, रम, ब्रेंडी, कॉफी, हेजलनट है, अदर अदर टाइप्स। बाकी आप आइए, विजिट कीजिए, पिज्जा, बाइक, सैंडविचेज, मैगी, डिफरेंट तरह का सब कुछ है हमारे पास, आइए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।